करते हैं। इसको मिटाते हैं। बोर्ड भिंगाना भी, कपड़ा भिंगाना पड़ेगा। आज हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशन जो उतना सीखे उसका क्या फायदा है, क्यों पढ़े हम लोग डायमेंशन? आज हम लोग ये सीखे डायमेंशन हम लोग क्यों पढ़े। पहला है टू चेक करेक्टनेस ऑफ अ फिजिकल रिलेशन। कोई भी फिजिकल रिलेशन या इक्वेशन सही है कि गलत है, ये हम लोग डायमेंशन की मदद से पता कर सकते हैं। इक्वेशन क्या होता है, जैसे a प्लस बी बराबर सी, ये क्या है इक्वेशन। f बराबर एम ए क्या है इक्वेशन, है ना। इक्वेशन दो साइड होगा, एक LHS और दूसरा RHS होगा कि नहीं। F बराबर जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर, वी इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये सब क्या है, ये सब इक्वेशन है। क्या है, इक्वेशन है। क्लियर है। अब देखिए कैसे चेक करेंगे सर कि कोई भी फिजिकल रिलेशन सही है या गलत है। इसके लिए, फॉर दिस, इसके लिए एक प्रिंसिपल आता है। उस प्रिंसिपल के माध्यम से हम लोग चेक कर सकते हैं कि कोई भी रिलेशन सही है या गलत है। उस प्रिंसिपल का नाम है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। Homogeneity of dimension, ये सिद्धांत का नाम है। क्या नाम है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन।
अब प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन क्या कहता है, क्या कहता है? इट स्टेट्स दैट द डायमेंशन ऑफ both side of a physical relation must be same. मतलब कोई भी फिजिकल रिलेशन है उसके दोनों साइड का डायमेंशन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए. मतलब LHS का डायमेंशन और RHS का डायमेंशन बराबर होना चाहिए. ऐसा कौन कहता है? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन कहता है. तभी वो रिलेशन फिजिक्स में सही हो सकता है, नहीं तो नहीं हो. इतना क्लियर है? अभी ज्यादा दिमाग मत लगाइए, एग्जाम्पल जैसे देंगे पूरा क्लियर हो जाए. अभी बस इतना समझिए कि कोई भी इक्वेशन सही है कि गलत है कैसे पता करेंगे? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन की मदद से पता करेंगे कि वो इक्वेशन फिजिक्स में सही है या गलत है. कोई दिक्कत? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन कहता क्या है, क्या कहता है कि डायमेंशन LHS का और डायमेंशन RHS का क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए. तब वो इक्वेशन डायमेंशनली क्या है, करेक्ट. चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए. ले लिए स्क्रीनशॉट? मिटा दें. आज वो क्लास नहीं कर रही है जी अर्चिता, कहाँ है? देखिए तो पता कीजिए तो उसको. दोनों साइड का डायमेंशन क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए. अब जैसे कोई इक्वेशन है बराबर है MA, फिजिक्स में ये इक्वेशन, ठीक, F बराबर MA, LHS में क्या है फोर्स, फोर्स का डायमेंशन बताओ MLT-2, ठीक. RHS का डायमेंशन बताओ. RHS में दिखा M into A, मास का M, एक्सेलरेशन का LT-2, तो क्या हो जाएगा? MLT-2 हो जाएगा. क्लियर है? अब कंपेयर करो, क्या RHS का डायमेंशन और LHS का डायमेंशन बराबर है? हाँ बराबर है. डायमेंशन ऑफ LHS इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ RHS. क्लियर? क्या ये इक्वेशन डायमेंशनली सही होगा? हाँ सही होगा. हैंस दिस इक्वेशन इज करेक्ट.
डायमेंशनली, ये इक्वेशन डायमेंशनली क्या है, सही है, करेक्ट, क्लियर, इतना क्लियर है। ऐसे चेक करना समझ गए, चेक करना आ गया, स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। ले लिए स्क्रीनशॉट, इंक थोड़ा सा डाल दें। मिटा दें, स्क्रीनशॉट ले लिए, मिटा दें। भी इक्वल टू यू प्लस एटी, चेक करो डायमेंशनली सही है या गलत है, चेक करो, चेक करो डायमेंशनली सही है या गलत है, चेक कीजिए। कर लिए चेक, ये डायमेंशनली सही है या गलत है, कुछ कोई बोल नहीं रहे हो जी, चैट में बोलो ना, माइक लगाए, आवाज नहीं है। देखो LHS वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, वेलोसिटी का डायमेंशन क्या बताया, एटी माइनस वन। अगर हम RHS का बात करें, यू प्लस एटी, यू क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, वेलोसिटी का डायमेंशन हो जाएगा एलटी माइनस वन, प्लस एक्सेलरेशन का क्या, एलटी माइनस टू, टाइम का क्या, टी, ये हो जाएगा एल टी माइनस वन, आई माइनस टू प्लस वन, ये माइनस वन हो जाएगा एल टी माइनस वन। ये वेलोसिटी में वेलोसिटी जोड़ेंगे तो जो डायमेंशन आएगा वो क्या होगा, वेलोसिटी ही होगा। देखो मैथ्स में एल जोड़ते थे तो टू एल होता। हेलो, हाँ नमस्कार सर। हाँ नमस्कार, हम बाईपास से सुनील बोल रहे सर। हाँ बोलिए सर, एक बार प्लॉट रखने आए थे ना सर, तो और सब प्लॉट आया इसीलिए फोन किया सर। इधर सुनिए, इसी फोन से क्लास ले रहे हैं, हम आधा घंटा में करें आपको। आए इसी फोन से पढ़ा रहे हैं, आधा घंटा में करें हम आपको। ठीक है सर, ठीक, आधा घंटा में करें। हेलो स्टूडेंट्स, वो फोन आ गया था थोड़ा सा इसलिए डिस्कनेक्ट हो गया। मैथ्स में एल जोड़ते हैं तो टू एल होता है, लेकिन फिजिक्स में अगर 5 मीटर में 2 मीटर जोड़ेंगे तो क्या होगा, 7 मीटर। 5 मीटर का भी डायमेंशन एल, 2 मीटर का भी एल,
सेवन मीटर का भी क्या है? समझ रहे हो, एल में एल जोड़ेंगे तो एल होगा यहां, क्योंकि लेंथ में लेंथ जोड़ेंगे तो लेंथ होगा, वेलोसिटी में वेलोसिटी जोड़ेंगे वेलोसिटी होगा, फोर्स में फोर्स जोड़ेंगे फोर्स होगा। क्या एल एच एस और आर एच एस दोनों का डायमेंशन बराबर है? देखिए डायमेंशन ऑफ एल एच एस इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ आर एच एस, दोनों क्या है? दोनों क्या है जी? हेलो जी, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, बोले कि आपका एक स्टूडेंट है ये बीजा इंटरनेशनल से, इसका प्रैक्टिकल है, उसको आईडी पासवर्ड आपके व्हाट्सएप पे भेज देते हैं, उसको बोलिए जूम ऐप पर जुड़ जाएगा, ऑनलाइन हो जाएगा। किसका? हैली जो नाम है। हाँ हैली। हाँ कै बजे से? अभी ये जुड़ जाएगी। ठीक, आधा घंटा बाद करें तो कोई दिक्कत? 10-15 मिनट बाद आपको हम भेज देते हैं आईडी पासवर्ड, आप उनको दे दीजिए। ठीक ठीक ठीक। हेलो स्टूडेंट्स, इतना क्लियर है? दोनों का डायमेंशन सेम होगा तो डायमेंशनली सही होगा कि गलत? डायमेंशनली, डायमेंशनली क्या होगा? करेक्ट होगा। क्या होगा? करेक्ट होगा, सही होगा। सुन लो सर, क्या डायमेंशनली सही होगा तो क्या फिजिक्स में भी सही होगा? बात यही है ना। सुन लीजिए, अगर कोई इक्वेशन डायमेंशनली सही है तो इट मे बी करेक्ट फिजिकली या करेक्ट इन फिजिक्स। अगर कोई इक्वेशन डायमेंशनली सही है तो वो फिजिक्स में सही हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। मैं बोल रहा हूं, मैं, इफ इक्वेशन इज करेक्ट, इफ एन इक्वेशन या इक्वेशन, इफ इक्वेशन इज करेक्ट डायमेंशनली, इट मे बी करेक्ट इन फिजिक्स। अगर कोई इक्वेशन डायमेंशनली सही है तो वो फिजिक्स में सही हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, गारंटी नहीं है कि फिजिक्स में सही ही होगा। अच्छा, वी इक्वल टू यू प्लस ए टी पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो? फिजिक्स में पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो बताओ? फिजिक्स में भी सही है कि नहीं है, ऐसा पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते? पढ़ते हैं। ये ऑल्सो करेक्ट इन फिजिक्स, फिजिक्स में भी सही है, लेकिन जरूरी नहीं है कि डायमेंशनली अगर सही हो गया तो फिजिक्स में सही होगा। अभी हम एग्जांपल देंगे, रुक जाइए। ऑल्सो करेक्ट इन फिजिक्स, ये फिजिक्स में भी सही है। ये कोई दिक्कत? मतलब अगर डायमेंशनली सही हुआ तो चांस है फिजिक्स में सही हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन अगर कोई क्वेश्चन डायमेंशनली गलत हो गया तो फिजिक्स में उसको कोई सही नहीं कर सकता। कोई दिक्कत? जैसे अभी देखते हैं, इतना क्लियर है जी? इसमें कोई दिक्कत है तो चैट के जरिए बताओ। ये डायमेंशनली सही हो गया और ये फिजिक्स में भी सही, कोई दिक्कत वाली बात नहीं? क्लियर है सबको? हाँ जी। हेलो, हाँ। आपके व्हाट्सएप पर भेज दिया सर। ठीक ठीक, उनको दे दीजिए 12:30 बजे तक ही है सर, अटेंडेंस बन जाएगा। ठीक ठीक, एक मिनट थोड़ा सा। दो मिनट रुको भाई, दो मिनट रुको।
एक काम आ गया है। चलो देखो इधर अगला चेक करो। E is equal to half m square v, चेक करो तो सही है कि गलत है। हमको जब आएगा तभी ना देंगे। क्या जी चेक किए? LHS देखिए, एनर्जी है ML स्क्वायर T माइनस टू, RHS हाफ एम स्क्वायर वी, हाफ तो डायमेंशन लेस होगा, डायमेंशन लेस एम स्क्वायर वी, वेलोसिटी का हो जाएगा एल टी माइनस वन, ये क्या हो जाएगा एम स्क्वायर एल टी माइनस वन। क्या डायमेंशन ऑफ आरएचएस और एलएचएस और आरएचएस बराबर है? नहीं है बराबर, नहीं है ये, ठीक। तो डायमेंशनली ये क्या हो गया? इनकरेक्ट हो गया। इनकरेक्ट हो गया तो क्या फिजिक्स में कभी सही होगा? कभी नहीं होगा। डायमेंशनली अगर गलत हो गया तो फिजिक्स में कभी सही हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। इट इज रॉन्ग इन फिजिक्स। वाजिब सी बात है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या पढ़े हो? हाफ एम भी स्क्वायर पढ़े हो, एम स्क्वायर भी थोड़ी होता है। रॉन्ग इन फिजिक्स, इट इज रॉन्ग इन फिजिक्स। इतना क्लियर है तो डायमेंशनली अगर सही है फिजिक्स में, इट मे बी करेक्ट, जरूरी नहीं कि सही होगा, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। लेकिन कोई क्वेश्चन अगर डायमेंशनली गलत हो गया फिजिक्स में, वो कभी सही नहीं। देखो डायमेंशनली इनकरेक्ट हो गया फिजिक्स में तो रॉन्ग ही होगा, कंफर्म है। डायमेंशनली इनकरेक्ट क्यों हुआ? क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन क्या बोलता है? दोनों साइड का डायमेंशन क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। यहां डायमेंशन बराबर नहीं है, इसलिए डायमेंशनली रॉन्ग है, तो फिजिक्स में भी रॉन्ग है। क्लियर है? क्लियर है तो बोलिए, फिर आगे बढ़ेंगे। स्क्रीनशॉट लीजिए। आज अब करते हैं दूसरे क्लास में, थोड़ा आज कुछ काम आ गया है, ठीक। अगले क्लास में और अच्छे से इसको एक्सप्लेन करके दूसरा और तीसरा एप्लीकेशन करके इस चैप्टर को खत्म कर देंगे। स्क्रीनशॉट भेज दीजिए।